पार्लियामेंट इलेक्शन था, जब एमपी का इलेक्शन था, तो उस समय आप किसको वोट किए थे? उस टाइम हाँ, उस समय हाथ को किए थे, पतंग को किए थे? आप हाथ को किए, उस समय हाथ को किए थे, अभी आप पतंग को करना चाहते, आखिर क्यों? आखिर क्यों जी? तू तो पता है हाथ को देखे हैं तीन साल। अच्छा, हाथ को आप बार बार देखे हैं? देखे हैं जी। और एमपी को भी देखे हैं जी। अब दूसरे बदलने का, यानी आप बदलना चाहते इसलिए? नहीं, वो बात नहीं है, तो मतलब आदमी तो मुसलमान साहब के इसमें थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आदमी कुछ चाह नहीं, इसी से हार गए। अच्छा, इस बार क्या लोग बदलाव चाहते हैं, तो किस पार्टी को चाहते हैं? देखिए, पार्टी तो सब ठीक है, लेकिन आदमी का एक नया पार्टी उभरा है, MIM के पीछे है। अभी लोग MIM को पसंद करते हैं, तो ये पार्टी हमारे सामने ऑप्शन के तौर पर आई है, MIM जो पार्टी आई है, असद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो हम देख रहे हैं कि वो लगातार मुसलसल वो इस सिलसिले में जिद्द। बताते चले कि अभी हम लोग भोरदा पंचायत के बागीचा हाट में है, चलिए बात करते हैं इनसे कि चचा तोर नाम की रहमुद्दीन तो एक बात बता कि तुरघुर घर घुगरा घाट घुगरा भाड़ा घाट मौजा भाड़ा दे यानी पंचायत भाड़ा दाव भाड़ा घाट, तो इधर बात बता कि इधर बार तुमरा की चाहते हैं, पुरना विधायक जी या फिर बदलो होना चाहिए? हां, पुरना विधायक जे जे हां को देखा लगे जी, एमपी जे जे आने एमपी मरे गए, नया एमपी बना ले, तो कोई जब बाहर और आने के लिए कोई काम नहीं करती जी, गरीब अमीर मोह भोगते। अच्छा, पंजाब जहाँ पंजाब खटवा जी, कनाडा जहाँ अमेरिका जहाँ पेट के खातिर से बाल बच्चा को छोड़ के वहाँ मंगवा देता है, गड्डी में लाता है, गाय जहाज में लाता है जी जी, हाँ जी, तो इन लोग को देख करके क्या फायदा है? अच्छा, आप किनको वोट देना चाहते हैं इस बार? अभी इस बार को देना है ओवैसी को, तो ओवैसी तो एक ओवैसी को दिया है, गरीब के लिए भाषण दिया है, पेपर छिपकर फेंक दिया है, यानी पेपर फाड़ना ही एक विकास नहीं है, लोग है। मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, लोग कहते हैं कि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करती है, मुस्लिम के जज्बातों के साथ खेलने की काम करते, वो विकास नहीं किया, तो अब वो कैसे बोलने की वही काम करेगा? सुनिए, जरूर आने के लिए वो लड़ता है हिंदू मुसलमान भाई के लिए, वो आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है और अदालत में लड़ता है और अदालत में लड़ता है, अभी उसका हाथ कमजोर है, वो क्या करेगा? उनका हाथ कमजोर है तो आप है? इस बार वो क्या करेगा? कम से कम उसको एक बार देखेंगे जी, एक बार देखेंगे। अरे एक बार बताते हैं कि जैसे कि एक बार देखने का काम वक्त और भी आया था, अब्दुल ईमान साहब आए थे उस समय, जब पार्लियामेंट इलेक्शन था, जब एमपी का इलेक्शन था, तो उस समय आप किसको वोट किए थे? उस टाइम हाँ, उस समय हाथ को किए थे, पतंग को किए थे? आप हाथ को किए, उस समय हाथ को किए थे, अभी आप पतंग को करना चाहते, आखिर क्यों? आखिर क्यों जी? तू तो पता है हाथ को देखे हैं तीन साल। अच्छा, हाथ को आप बार बार देखे हैं? देखे हैं जी। और एमपी को भी देखे हैं जी। अब दूसरे बदलने का, यानी आप बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए कि क्या लगता है कि अगर पतंग साहब यहाँ से जीत जाती है तो यहाँ पे कुछ काम कर पाएंगे? वो जरूर करेगा, बिहार में जरूर करेगा, जरूर। और अगर नहीं किया तब क्या करेगा? नहीं करेगा तो ऐसी तो नहीं करता है कोई, यानी कि नहीं करता है कोई, चलो ये भी पांच साल नहीं करे, आपका कहने का मतलब ये हुआ? हाँ। नहीं करेगा तो पाँच साल है ना जी, जी पाँच साल के बाद फिर से आ जाएगा, चलिए फिर कम अंदर होगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि इस बार आप किसी को नहीं सिर्फ ओवैसी को वोट देना चाहते? अच्छा, एक बार बताइए, ये तो आपका हुआ, आप गांव में रहते हैं, बाजार में जाते हैं, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहता है कि जो इस बार बदलना, लोग बदलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। हमारे एक चचा है और ये इनका नाम मुजीब आलम हुआ, मुजीब टेलर के नाम से ये मशहूर है यहाँ पे, और बहुत पुराने टेलर है यहाँ के, तो उनसे बात करते हैं कि लोग उनके पास जो आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, लोग उन क्या चाहते हैं इस बार? चचा आप ये बताइए, लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या विधायक जी जो है वही रहना? आदमी का रुख है बदलाव का क्या लगता है सर, बदलाव हो पाएगी? उम्मीद तो है कि बदलाव होगी, देखिए उम्मीद पिछले बार भी थी,
थी उस बार का कुछ मूवमेंट दूसरा था, आपकी बार दूसरा है मूवमेंट बोले तो क्या मतलब, उस समय मुस्लिम साहब दूसरी पार्टी से आए थे इसलिए? नहीं वो बात नहीं है, मतलब कि आदमी तो मुस्लिम साहब के इसमें थे लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आदमी कुछ चाहा नहीं किसी से हार गए। अच्छा इस बार क्या लोग बदलाव चाहते हैं तो किस पार्टी को चाहते हैं? देखिए पार्टी तो सब ठीक है लेकिन आदमी का एक नया पार्टी जो बड़ा है MIM के पीछे है अभी, लोग MIM को पसंद करते हैं तो आप किसको पसंद करते हैं? आपका क्या पसंद है? हमारा भी राय उसी आपका भी मीम में ही पसंद है, MIM को आप ही पसंद करते हैं। चलिए सुभी आपका आप अपना कीमती वक्त दिए हमको। चलिए एक दोस्त है हमारे यहाँ पे मोबाइल दुकानदार, क्योंकि बगल में बैंक है तो दिन भर उनके पास हजारों लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप आइए इधर, तो आप बताइए आप मकसूद साहब आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या इस बार बदलाव मुमकिन है? सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं जी। और जो आपने सवाल किया कि क्या आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जी, तो देखिए पार्टी हम किसी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट हम सपोर्ट उसको करते हैं जो हमारे आईन के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जो हमारे कवानीन के मुहाफिज हैं जी, जो कवानीन को हर वक्त सामने रख करके यहाँ की पब्लिक के लिए यहाँ के आवाम के लिए काम कर रही है और उसका हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, क्योंकि पार्टी कोई किसी की जागीर नहीं होती है जी, बिल्कुल। पार्टी किसी की जागीर नहीं होती है, बल्कि जागीर है तो यहाँ हमारे आईन है, हमारे कवानीन है, यहाँ की संविधान है और हम उसी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा सवाल जो आपका था कि क्या यहाँ पर बदलाव मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि देखिए मकसूद साहब ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि बदलाव मुमकिन है क्योंकि चार टर्म से यही होता है, पहला टर्म में तो समिति वोट से विधायक जी जीते थे, बदलते बदलते लास्ट दो दिन में जादू चल जाता है विधायक जी का और विधायक जी जीत जाते हैं, इसलिए इस सवाल को पूछा गया क्या इस बार भी बदलाव मुमकिन है या फिर विधायक जी रहेंगे? वही हमने कहा ना कि बदलाव बिल्कुल मुमकिन है और इस बार बदलाव होकर के ही रहेगी, वो जो हर बार जो जादू चलाया जाता था जैसा कि आपने कहा, लेकिन इस बार कोई जादू चलने वाला नहीं है, जादू चलने क्योंकि लोग उनके ढकोसाले को और उनके फरेब को अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो लोगों को जिस तरह से फरेब में रख करके हर बार इलेक्शन जीतते हैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब फरेब की बात करते हैं तो फरेब कहाँ करते हैं? वो लोगों से उनको एक मोहब्बत है, लोग उनको वोट करते हैं, आप उनको फरेबी का नाम दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल फरेब क्यों नहीं है, आज चार टर्म से वो विधायक रह रहे हैं, चार टर्म से रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उस चार टर्म में तीन टर्म को निकाल दीजिए, ये जो टर्म अभी चल रहा था इस टर्म में भी उनका पांच साल पूरा मुकम्मल हो गया, लेकिन इन पांच सालों में वो कहां सो रहे थे? इतने लोग, इतनी रोडें जर्जर हो गई थी, लोगों को चलने में दुश्वारी हो रही थी, आज तक जब भी उनसे कहा जा रहा था तो वो यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन आते ही आते इतनी स्कीम कहां से आ गई? लेकिन हर जगह एक बात और बताते हुए कहना चाहूंगा कि विधायक जी का कहना है कि सबसे ज्यादा रोड का काम मैंने किया है, सबसे ज्यादा पुल लाने का काम मैंने किया है और लोग मुझे विकास के नाम पे वोट देंगे, आप उनको ढोकोसला कहते हैं, उनको आप फ्रेबी कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं या फिर विधायक जी गलत कर रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल सही हूँ, अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ। और जहां तक बात रही कि वो ये कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने पुल पुलिया बनाया, रोड बनाए, सड़क बनाए, लोगों को चलने के लिए सुविधा दिया, लेकिन आप हमको ये बताइए कि इन पुल पुलिया और रोड सड़क लेकर के हम क्या करेंगे, जबकि हमारे दिलों के पर जो कामना किया जाए, जो बच्चों को संवारने का काम है, जो आने वाली पीढ़ी को संवारने का काम है, उस पर अगर कोई काम ना हो तो क्या ये विकास है? विकास तो ये होती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनके लिए रास्ते बना निकाले जाएं और उनके लिए मुहैया फराहम किए जाए, जैसे कि जो आने वाली नस्ल है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन का स्तर बढ़ाया जाए। आपका कहने का मतलब यह है कि वो एजुकेशन पे और हेल्थ पे काम नहीं किए हैं टोटल कहीं ना कहीं, तो एक बार देख कौन सी पार्टी कर पाएगी इस काम को, आपको कौन सा पार्टी बेहतर लगता है? देखिए अभी तक सारी पार्टियों को लमसम करके हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इस बार एक नई पार्टी हमारे सामने ऑप्शन के तौर पर आई है, MIM जो पार्टी आई है असद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो हम देख रहे हैं कि वो लगातार मुसलसल वो इस सिलसिले में जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इस
फील्ड को आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन के हेल्थ को वो फर्स्ट पे रखते हैं कि क्योंकि अगर आदमी के पास हेल्थ ही ना हो तो वो किस काम का, बिल्कुल नकारा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू मान लीजिए कि आपके पास बाइक हो और आपकी बाइक में ईंधन ही नहीं है, तो आज बाइक लेके करेंगे क्या? बिल्कुल, ये जो रोड और पुल पुलिया है ये क्या है ये आपकी बाइक है और बाइक में ईंधन डालेगा कौन? ये पब्लिक है। पब्लिक का जब जो क्या कहता है मेंटलिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, विकास के लिए हम लोग क्या कहते हैं कोई फैक्ट्री उद्योग वगैरह का हम जो ये करेंगे जिससे कि इस पर आना जाना हो, जो इससे कि माल सप्लाई हो, और फिर एजुकेशन स्तर में हम लोग ये करें कि लोग जो है पढ़ाई के लिए जाए इन रोडों से, तब इन रोडों का फायदा है। ना कहीं आप सीधे बात में कहना चाहते हैं कि अब MIM के सपोर्ट में है, बिल्कुल, और MIM यहाँ पे कुछ कर पाएगी। बिल्कुल, लोग क्या चाहते हैं कि लोग हजारों लोग आपके पास आते हैं, लोग क्या चाहते हैं? मेरे पास भी हमने शुरू में कहा ना कि इस बार कोई भी टिकरम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, दिन भर में हजारों लोग आते हैं, और सभी लोगों का जो हम जायजा लेते हैं, सभी लोगों का कुछ कहीं ना कहीं से ये माइंड बन चुका है कि इस बार हम लोग MIM को वोट करेंगे। एक बार बताइए ये बात कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जैसे कि मसूर साहब हैं, अंजार नेमी साहब हैं, मुस्तफा अनुराही साहब जो चेयरमैन है, भी साबिक चेयरमैन है वो, और दीगर लोग नफीस सदर है, हसन जावेद साहब हैं, मुखिया मंसूर साहब हैं, तो ऐसे में सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन होगा जो कि सीट निकाल पाए MIM का? देखिए जहां तक रही कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट तो हमारे यहां से बहुत सारे हैं, सभी को पता है, लेकिन जो अभी आवाम में जिनको ज्यादा जाना पहचाना जा रहा है और जो आवाम की दुख मुसीबत को लेकर के खड़े होते हैं, उनमें से प्रोफेसर मुसव्विर साहब भी हैं, और अभी अभी फिलहाल जो देखा जा रहा है कि उनसे भी बढ़ करके आजकल अंजार नईमी साहब काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने जो है वादा भी किया है, अपना मैनिफेस्टो में भी उन्होंने रखा है कि हम अगर जीते यहाँ से तो हम यहाँ की युवाओं के बारे में सोचेंगे और यहाँ पे कारोबार के बारे में सोचेंगे। मसूर साहब का भी वही है, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ के युवाओं के बारे में सोचेंगे, हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे। फिर मसूर साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अंजार नईमी साहब को भी वन नंबर पे नहीं देता हूँ, ना मुसव्विर साहब को, अपनी जगह पे दोनों सही हैं, लेकिन हम शुरू में बोले कि हम इस बार MIM को सपोर्ट कर रहे हैं, MIM जिसको भी टिकट देगी, यानी आला कमान जिसको भी टिकट दे दे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखा है और उन्हीं के इस पर हम काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सीट दे, वो यहाँ से आप लोग मेहनत करके उनका सीट निकाले। जी बिल्कुल।